हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं नीट के स्टूडेंट्स के साथ कुछ गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। तो गुड न्यूज़ क्या है मैं आपको इस आर्टिकल के जरिए बताता हूँ। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो इसमें गोवा के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे रूल्स निकाले हैं और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। द गोवा गवर्नमेंट इज सेट टू पे INR 2.5 लाख पर सीट टू अ यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र एंड INR 6 लाख पर सीट इन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी टू रिजर्व अ टोटल ऑफ 11 सीट्स फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम गोवा। द डिसीजन हैज़ बीन टेकन एज द स्टेट करंटली डज नॉट हैव एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज फॉर वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री स्टडीज। तो क्योंकि गोवा में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी और कॉलेज है नहीं वेटरनरी और एनिमल हस्बेंड्री स्टडीज़ के लिए, तो उन्होंने 2.5 लाख पर सीट और 6 लाख पर सीट पौंडीचेरी में टू और 2.5 लाख पर सीट महाराष्ट्र में, ऐसे करके टोटल 11 सीट्स वो देंगे उनको अपने गोवा के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व करवाएंगे। और ये नीट 2019 से ही शुरू हो जाएगा। और ये ऐसा कर क्यों रहे इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। द एडमिशन फॉर दिस 11 रिजर्व सीट्स विल बी डन वियर द नीट from 2019 to 2020 as the new universities which tap into more talented students. According to an official source, the Goa government has a long-standing MOU with the Rajiv Gandhi Institute of Veterinary Education and Research at Pondicherry and the Maharashtra Animal and Fishery Sciences University at Nagpur. And the state government is paying a huge amount to reserve these seats for Goan students, but the awareness about it is poor. They used to get only around 100 applicants a year. Ye चीज़ होने के बाद भी वहाँ पे कुछ ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है और मुश्किल से 100 एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं इस चीज़ के लिए, जबकि वहाँ उनके लिए सीट रिजर्व्ड है बट उनको पता नहीं है। अगर आपके फ्रेंड्स या आप में से कोई भी इसको करना चाहता है तो इस साल से ट्राई इसको कर सकता है, क्योंकि गोवा गवर्नमेंट महाराष्ट्र और पौंडीचेरी में पढ़ने के लिए आपके लिए सीट रिजर्व करवाती है। In the state common entrance test prospectus, the Goa government has already added information regarding the program and applying through NEET to boost awareness about these reserved seats. From 2019 to 20, both institutes will admit Goa students based on their NEET scores, and this will bring uniformity in the admission process, said the official. So guys, इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करी एक अच्छी न्यूज गोवा के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो जिस बारे में वो अवेयर तक नहीं थे, अगर आपके फ्रेंड्स भी इसमें हैं या आप हो तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए सीट महाराष्ट्र और पौंडीचेरी में टोटल 11 सीट रिजर्व्ड है, तो आप और गोवा गवर्नमेंट अपनी तरफ से वो करवाती है अवेयर करने के लिए, ये सब चीज़ें करने के लिए, क्योंकि उनके पास इस चीज़ के अभी कॉलेज है नहीं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं अन्य ऐसी वीडियो में नई नई जानकारियों के साथ, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।